नहीं तो उनको अवसर दे दो, खान से अवसर दे दो तो बचो। तो जब पितृ मुक्त हो जाते हैं तभी तंत्र कटता है। अब तो बाबा ने कई शक्ति खोल दी कि सात हवन करके अमावस्या की, अब का अंतिम पितृ गया। पहले तो अमावस्या लगती थी, अब एक ही अमावस्या पितृ चला जाता है अंतिम पहली में है। अब बसता है सर, जैसे ही आप घर में अगली अमावस्या के पहले जैसे ही आप यंत्र की स्थापना करते हो पूरा आशा समाप्त हो जाता है एक साथ। अभी नई शक्ति दरबार की पूरी क्या रह जाते हैं बचे बचाए तंत्र, वो कटना शुरू होते हैं। कुछ आप लोग लाइव काट कर देखते हो शनिवार मंगल, उससे कुछ हल्का होता जाता है कटता जाता है, जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों होते कटते जाते हैं। रिएक्शन जो सबसे खतरनाक होता है उसको बचा के रखा जाता है, क्यों वही धकेलता है आगे दूसरे को, स्वयं बचने के लिए आगे दूसरे धकेलता कमजोर वाले को चला दी तो वो कट जाता है, हरामी वाला पीछे बैठा रहता है वो आखिर कटता है। अब कहाँ जाओ बेटा तो आके तुम बचे, तो सबको कटवाता रहता है इसलिए उसको छोड़ दिया जाता है कि भाई ठीक। तो आदमी को आखिर तक ऐसा लगता है वो तो हमें समस्या वही है, समस्या ठीक है वही है बिल्कुल फिट एकदम करेक्ट बात, लेकिन पीछे वाले को हम हटाते नहीं, वो तो मदद कर रहा है ना। मदद कैसे कर रहा है, स्वयं बचना चाह रहा है तो दूसरे को आगे कर दे रहा है धक्का मार के, वो गया कड़ा से मदद ही कर रहा है। तो जो आते हैं मदद ही कर रहे हैं महाराज मान। पिटते रहते उसको छोड़ा जाता है। ये दरबार की एक व्यवस्था है, जैसे आप शुरू में हवन करते हो पांच हवन में सारी बाधाएं चली जाती है, कोई प्रेत नहीं बचता। दूसरे डीएनए का कोई भी व्यक्ति जो मर चुका है क्रॉस डीएनए से आया है, मान लीजिए ससुराल ससुराल बचते आया है, मामा नाना के यहाँ से आया है क्रॉस डीएनए, लेकिन आपके यहाँ आया तो प्रेत है पूर्वज तो है नहीं, तो पांचवें हमने सब प्रेत जाते हैं। तो अगर मामा नाना के यहाँ से मौसी काकी तक मतलब मौसी ओसी और उधर से कहीं आया है ननिहाल से ससुराल पक्ष से या किसी लड़के के ससुराल पक्ष से आया है या विद्या के ससुराल पक्ष का है रहते ही क्रॉस डीएनए, पांच हवन में आपके डीएनए से सबको जाना है वापस। जो नहीं जाते हैं वो पूर्वज बाहर के उनका श्रृंगार हो जाता है, तो प्रेत के स्मृति के रूप में असर के रूप में वही पड़े रहते हैं। तो कभी कभी महिलाएं कहती हैं गुरु जी हमको हमारी अम्मा दिख रही, अम्मा है नहीं, अम्मा तो निपट गई तो दिख ही नहीं, वो अम्मा चाह रहे हैं कि हमारा श्रृंगार हो जाए किसी तरह हम यहाँ से निकले प्रेत योनि से, क्योंकि प्रेत योनि से निकलने के बाद नरक में जाना होता है। बहुत लंबी कथा है, अभी नरक नहीं मिला, अभी नरक तो तब मिलेगा जब प्रेत योनि से छुटकारा मिलेगा। अभी तो पहले क्या होता है कि पहले मरा आदमी तो प्रेत योनि में गया और उसमें हजार वर्ष तक का समय है उसका, 1000 वर्ष तक प्रेत योनि में रहने का ठीक, और कहीं उसने गड़बड़ सड़बड़ कर दिया प्रेत योनि में या किसी तांत्रिक हो जहां मौलवी ने पकड़ लिया उसको बांध लिया गंदे काम कराए या स्वयं गंदे काम करने लगा आदमी, तो उसका जो 1000 साल की उम्र का है सूक्ष्म शरीर में और बढ़ जाए उम्र तो 2000-3000-5000-10000 साल वो प्रेत योनि में बने रहते हैं, गंदे गंदे काम करते रहते फल भोगते रहते, तो वो प्रेत योनि से छुटकारा ही नहीं पाते। तो बहुत से लोग चाहते हैं प्रेत चाहते हैं कि हमें भस्म या संहार कर दें तो हम प्रेत योनि से बाहर हो जाएं, तो प्रेत योनि से छूटेंगे तो कहाँ जाएंगे, तो नरक में जाएंगे। पहले नरक में क्यों जाएंगे, शरीर यात्रा के दौरान अपनी जो शरीर यात्रा है जिसमें वो जिंदा था जब, उस शरीर यात्रा के दौरान जो उसने गंदे संदेह काम किए उनका फल पर भुगतने के लिए वो नरक में जाएंगे ठीक। वो लंबा पीरियड है उसको भुगते, फिर कुछ अच्छे काम भी किए होंगे थोड़े बहुत, एक आध दो चार दस दिन के लिए स्वर्ग भी जाए है। ये अभी हजारों साल की बात चल रही है, 50,000 साल निकल गए इसमें, इसके बाद फिर कहीं वो है अभी कहाँ जन्म हो रहा है,
अभी प्रेत ऐसे जनवरियों का प्रेत तो है। अभी फिर और लंबी कथा है, इसके बाद फिर आगे चले, कहाँ गए? किसी लोक में, यहाँ नहीं, यहाँ योनियों में नहीं, किसी अन्य सूक्ष्म लोक में जन्म होगा, वहां फल भोगो, वहां भोगते भागते 25,000-50,000 साल, लाख साल में तभी मौका मिले तो फिर धरती पर जन्म मिले, धरती पर, धरती पर जन्म लेने के लिए मनुष्य उनमें आने के लिए देवता भी भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हमें धरती में मनुष्य योनि मिल जाए, क्योंकि आपके जो पुण्य कार्य हैं उनका जो फल परिणाम आपको मिलेगा, आपकी तपस्या आपकी साधना का फल मनुष्य के शरीर में रहकर के ही मिलेगा। हम चाहे जितने बड़े तपस्वी हों, शरीर छूट गया है तो हम सोचे कि हम शरीर में हैं, अब साधना करें तो कुछ आगे बढ़े, नहीं बढ़ सकते, सुई की नोक के बराबर नहीं बढ़ सकते, वहीं स्थिर रहोगे। वहां से आगे यात्रा तभी शुरू होगी जब आपको पुणे से कोई मनुष्य शरीर प्राप्त हो। इसीलिए देवता भी देवता तक पहुंच गए, उसके आगे भी जाना है, ठीक। शिवमय होना है, शिवमय मिलना चाहते हैं तो देवता क्या करेंगे? आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, गुरुओं के आदेश का पालन करते हैं देवी देवता, ठीक है। देवी देवता भी गुरुओं की शरण में रहते, देवी देवता माने अच्छे लोग, देवी देवता माने अच्छे लोग, अच्छी आत्माएं जो सबकी मदद करना चाहती, तो वो गुरुओं के आदेश पर सबकी मदद करते। वो मदद करते करते जब एक समय बीतता, वो भी एक लोक में है, देव लोक में आगे ना लोक में, ठीक, तो वो भी किसी लोक में है देवी देवता का। तो अब वो लोक में रहते हुए सेवा कर रहे हैं, ये दरबार है यहाँ सेवा कर रहे हैं, जैसे भी कभी है पंडो कर के सब पकड़ पकड़ के आए, कल भी साथ नहीं आए, हम तो बुलाए नहीं, अपने आप पकड़ पकड़ा रहे थे, पीट रहे थे, मार खा रहे हैं, कुट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो गड़े हुए हैं, हाथी वाला भी पकड़ के, जो हाथी वाला बाबा वो पकड़ के जो है कुट रहा, चिल्ला रहा, हनुमान जी नकली बनता कह रहा हमारी पूछ कहाँ चली गई, हमारी पूछ लगी थी नकली वाली कहाँ चली गई हमारी पूछ, हनुमान जी बन रहे हैं बैठ के वहाँ पूरा क्षेत्र जानता हूँ। तो कहने का आशय मेरा ये है कि ये सब गंदगियां धीरे धीरे इकट्ठी होने लगती है डीएनए में, फिर वैसे इकट्ठी जाती है धीरे धीरे, तो पांच वन ये प्रेत जाते हैं, जो बाहरी होते हैं डीएनए के वो प्रेत ही कहलाते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी लोग कहते हैं हमारे मामा दिख रहे हैं, हमारे अम्मा दिखी, महिलाएं कहती हैं, तो वो इस तरह से होते, तो वो पांच वन के बाद प्रेत बचता नहीं कोई, लेकिन उसमें भी ताकत और प्रेत होता है, उसको सबसे आखिरी मारा जाता है, आखिरी पांचवें हवन में, क्यों? वही तो सब प्रेतों को निकाल निकाल आगे करता है खुद बचने के लिए, जहां जहां प्रेतों को छुपा छुपा के रखा जाता वो सब को निकाल निकाल आगे करता है कि ये मरे, बसम हो, भंडार हो, हम बचे रहे, आखिरी खुद अकेले बचता है। अब कहां जाओगे? जाना होता है पांच छठा साठवा करते हैं, मित्रों को मुक्ति मिलती, ये भ्रम और मोह समाप्त करने के लिए हवन होता है छठा साठवा, जैसे ही साठवा किया एक पित्र छोड़ के सभी मुक्त होते हैं, पहली अमावस्या कर ही बच्चा पितृ मुक्त होता है, ये व्यवस्था है। जैसे अंतिम पितृ मुक्त होता है वैसे बारी आती तंत्र कटने, तो उसमें जो तंत्र हल्के फुल्के होते बड़े आगे कटते रहते, भारी वाले को खतरनाक वाले को सबसे आखिरी में काटा, मतलब कटेगा ही आखिरी, व्यवस्था है दरबार की, वही धक्का मार मार के लात मार मार के सबको आगे करेगा। जब हम सबसे पीछे वाले बुलाते हैं ना तो वो नहीं उसको नहीं बुलाया जाता है, वो उसके आगे जो होता है उसको लात मार के आगे करता है, सबसे आगे भेजता है। तो ये व्यवस्था है, इसीलिए दरबार में कहा जाता है कि भाई सबसे पहले कोई व्यवस्था में शामिल होने के पहले
दरबार में बैठ के और समझा जाए कि भाई हमारी बीमारी क्या है, बीमारी का निदान हो, पहले निदान हो जाए, डायग्नोसिस हो जाए, निदान मतलब डायग्नोसिस परीक्षण हो गया तो भाई समझ लिया आपने, वर्कशॉप में बैठने से पता लग जाता हमारी बीमारी, डायग्नोसिस हो गई, निदान के पश्चात निवारण पे जाते हैं, तो विधियों परंपरा अनुपति कैसे करना है, फिर वो करते नियम विधि पालन करते सब समाप्त होता है, मुक्ति मिल। इसमें जो सबसे बड़ा पक्ष है, जो सबसे बड़ी ताकत है आपकी, वो आपका धैर्य और आपका विश्वास, ये डगमगाया और गए। तो इतने सबको जाना है, बचने का कोई जुगाड़, लेकिन क्या होता है, एक एनर्जी है, उस एनर्जी को हम एकदम से निकाल लें तो आदमी के लिए जीवन का खतरा है, वो भी रहता है। अभी कल जो बच्ची आई थी अमेरिका से, तो पेट काटे थे ना उसके, अब उसको मैंसेज नहीं हो रहा, पिछले मैं कल साल डेढ़ साल तो मैंसेज नहीं हुआ उसको, मासिक नहीं हुआ ठीक। तो हमने कहा बेटा वो जो बैठे हुआ योनि में तंत्र दिया गया, अभी तुम्हारे सामने मैसेज आया मेरे फोन पे, अभी मैसेज आया गुरु जी वो सब बिल्कुल ठीक हो गया, तो भयानक पेन पत्थर ऐसा बना गया था पूरा एकदम सॉफ्ट हो गया, और गुरु जी अब मेरे घर पहुंचने मुझे मैसेज हो गया। मैंने कहा तो बेटा हो जाएगा मैसेज, घर पहुंचते उसको हो गया। कल आई थी जो अमेरिका से पति पत्नी लड़के ही है, दोनों दूसरे पर तला अमेरिका से बेचारे, लेकिन समझदार हैं, तो उनको लगा कुछ गड़बड़, और दोनों हिलते जुलते और कुश्ती लड़ रहे दोनों, वो क्या रहा, हम लोग थोड़े प्यार से शादी करते, लेकिन ये हुआ क्या है, बच्चे थे यहाँ गए थे, यहाँ आए थे कटाई हुई है, तमाम डर पटक हुई बेचारे, वो यहाँ रहे भी 10-15 दिन के रहे थे, उन्होंने हवा हवन किया सब किया, तो अभी उनको अमेरिका जाना था, तो पहले तमाम डिब्बा ले गए, बोले भसम दे दो, अरे भाई देखते है तो वो दवा मांगने लगे चलते समय, तो दवा हो जाए तो ये जो है ये वाला हमारा जो दिक्कत है मानसिक वाला, वो तो दवा लेके आ गया पुलिंदा, मैं का दवा काय दे दे वैसे ठीक हो जाएगी, दवा को जरूरत ही नहीं है, एक साल की दवा मांग रहे थे दे दो, अरे हमने भाई क्यों दवा दे दो, ऐसे इसमें दवा की आवश्यकता नहीं, हम तो देख रहे हैं ना आंखों से, यहाँ देख रहे हैं क्या समस्या है, यहाँ दवा तो काम ही नहीं करेगी। अब वो यहाँ से घर पहुंचे उसको हो गया भाई साल डेढ़ साल से, तो ऐसे जब अंतिम तंत्र कटता है तो समान और मेरे गुरुदेव सब अच्छा अच्छा है, सब अच्छा ऐसे हो, इसलिए चिंता की बात नहीं, थोड़ी विश्वास नहीं है, भोलेनाथ से अब कुछ बात कुछ है, वही वही विधि जब समझ जाएंगे तो खुद को समझ जाएंगे, वो कमजोर तो कर देंगे, वो तो ऐसा नहीं पहले जैसे तीव्रता नहीं होगी उसकी, जैसे पहले तीव्र था वो बहुत भयंकर था, वैसा नहीं होगा, वो तो शक्ति कम हो जाती है, लेकिन उसको बचा के रखा जाता है। पागल इसलिए हो जाएगा, अगर आप बाबा को ध्यान करने लगोगे पिटने लगता है, पूजा करोगे तो पीटेगा, तो और दिक्कत होगी उसको, और क्रोधित होगा, उसको कष्ट होता है ना, अभी देखते पूजा नहीं करता, तुमने काटा तो तुम उसको दिखाओ, तो आज नहीं तो कल रुक जाएंगे ठीक। दूसरा आप इनवाइट करो, प्रणाम करके दंडवत कर लो, प्रेत बैठे हैं मूर्ति हनुमान जी की बैठे प्रेत, हनुमान जी का पता आता नहीं कहाँ हनुमान जी, कहाँ के हनुमान जी, हनुमान जी तो प्रेत दिखता नहीं किलोमीटर में, योजनों में नहीं दिखता, हनुमान जी के नाम सुन के भाग जाते हो ठीक है। अभी हनुमान पंडोकर वाला है, हनुमान जी और प्रेतराज महाराज बैठा है, जय कर रहा है प्रेतराज महाराज की जय, अभी कब कटो के आया था प्रेतराज महाराज,
अभी कलाए थे पकड़ के, पूरे तरह मारा बहुत चिल्ला रहा था, यही है ना बदमाश है, अभी तो गला हुआ है तो बदमाश है। तो अब आपने नतमस्तक हुए, एंटर मारी, 10-20-25 प्लेट 50 प्लेट गैस हो गए अंदर, ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका, आप अवसर प्रदान करो, घर का दरवाजा खुला छोड़ दो, वो भी चित्र लगाए घूम रहे, बार बार महिलाएं खुले छोटी घूम रही, आजकल बच्चियों का पहचान है बाल खुले रख के चलना, ये अवसर है उनके लिए, एंट्री मार दे, दरवाजा खुला छोड़ दिया तो अंदर आएगा कोई ना कोई, आज घर में घुस जाएगा, तो ऐसे करके ये अंदर आते, उसी में उस तरह से कि लोग कुछ तंत्र मंत्र करके जबरदस्ती कुछ खिला पिला दे, उस तरह से है ना, दरवाजा खुला है ना तो चले गए, क्योंकि हमने खुद ही खुला छोड़ रखा है। इन्हीं सबसे बचना, जो निराम